हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों, आज जो हम कहानी लेकर आए हैं वो मित्रता पर है। हालांकि आज की डेट में अगर आपने रिलेशन को छोड़ दिया जाए, अर्थात माँ बाप को छोड़ दिया जाए और बहन भाई को छोड़ दिया जाए, मेरा कहने का मतलब है यदि खूनी रिश्तों को छोड़ दिया जाए, जो रिश्ता बनता है और इनसे भी कभी कभी बड़ा हो जाता है तो वो दोस्ती का रिश्ता होता है। और एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम स्वयं बनाते हैं, बाकी सब जो रिश्ते होते हैं वो बने बनाए मिलते हैं हमें। एक यही एक रिश्ता होता है जिसे हम अपने विवेक पर परख करके और साथ रह करके हम इस रिश्ते को बनाते हैं, और जब ये रिश्ता गहरा होने लगता है तो उसे नाम देते हैं दोस्ती। तो ये दोस्ती की एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दो दोस्त थे और दोनों साहूकार थे। तो जो दोस्त थे दोनों साहूकार थे, कारोबार चल रहा था। तो एक दोस्त को खबर मिली कि बाहर यदि व्यापार किया जाए तो बहुत धन इकट्ठा किया जा सकता है, अर्थात बाहर बहुत ज्यादा व्यापार इस चीज का चल रहा है। उसने कुछ वस्तुओं के नाम बताए, कुछ मसालों के नाम बताए कि ये मसाले बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और इनमें मुनाफा बहुत ज्यादा है। तो दोस्त के मन में आई कि क्यों ना बाहर जाकर के व्यापार किया जाए। उसने अपने दोस्त से कहा कि क्यों ना हम बाहर जाकर के व्यापार करें। दोस्त बोला, नहीं यार, मेरी इच्छा नहीं है, मैं यहीं रह के व्यापार करूंगा, अगर तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ। वो बोला ठीक है। हालांकि दोस्ती बहुत गहरी थी, बहुत विश्वास था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरे पास कुछ घड़े हैं और मैं चाहता हूं कि उन घड़ों को मैं आपके पास रख जाऊं, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूं और मैं बंद करके जाऊंगा व्यापार के लिए, तो वो घड़े वहां तेल के रखे हुए हैं और उन्हें मैं चाहता हूं कि आप रख लो, क्योंकि मुझे वहां 2-3 वर्ष लग जाएंगे। कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, रख सकते हो। जो घड़े थे वो एक धातु के थे जिसमें कि जो तेल है वो खराब नहीं होता, और उनमें तेल जो भरा हुआ था वो तिल का तेल भरा हुआ था। तिल का तेल वैसे भी काफी समय चल जाता है। तो उसने अपने जो घड़े थे उनको ढक करके, मुंह ढक करके अपनी बैलगाड़ी में भर के लाया, और वो 50 घड़े थे। 50 घड़े उसने अपने मित्र के यहाँ रख दिए। और मित्र का स्टोर था जिसमें स्टोर का सामान भरा रहता था, उसने घड़ों के मुंह को बांधा सबके को, और उसके बाद सारे स्टोर में रख दिए। कहने लगा, दोस्त मेरे घड़े हैं, मैं आकर के ले लूंगा, क्योंकि पुराना जितना तेल होगा उतना ही मेरे काम का होगा। कहने लगा ठीक है, और रखने के बाद वो अपने व्यापार के लिए चला गया। अब कुछ दिन के बाद जो साहूकार था, जो रह गया था, जिसके यहाँ पे घड़े रखे थे, उसकी बेटी कहने लगी, पापा तिल का तेल चाहिए। वो कहने लगा, तिल का तेल तो है नहीं, एक काम करो, तुम मेरे दोस्त के घड़े रखे हैं और उनसे जा करके तुम तिल का तेल निकाल लो। वो बोली ठीक है। अब उसने घड़े का मुंह खोला और घड़े का मुंह खोल के वो तिल का तेल निकालने लगी। तिल का तेल थोड़ा ज्यादा चाहिए था। अब तिल के तेल के साथ उसमें कुछ गिन्नी निकलने लगी, सोने की गिन्नी। उन सारे घड़ों में गिन्नी भरी हुई थी। अब उस लड़की ने देखा तो तेल भी निकला और गिन्नी भी निकली। वो कहने लगी, पापा इनमें तो इस तरह से गिन्नी पड़ी हुई है। वो कहने लगा, गिन्नी पड़ी हुई है। अब वो आया, उसने देखा और उसने सारे घड़ों में हाथ डाल के देखा तो उन सब में गिन्नी भरी हुई थी, ऊपर ऊपर तेल भरा हुआ था। अब उसके मन में लालच आ गया, वो सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए, उसे तो काफी समय लगेगा आने में। वो काफी समय तो सोचता रहा, करूं ना करूं, और लगभग उसे 5-6 महीने इस चक्कर में लग गए कि मैं किस तरह से इन्हें बदलूं। पहले कभी मन आता कि इन्हें रख लूं, उससे कह दूंगा कि मेरे पास नहीं है, झूठ बोल दूंगा। बोला नहीं यार, ऐसा ठीक नहीं है कहना, क्योंकि वो रख के गया है, सब ने आते हुए देखा बैलगाड़ी में, तो सब गवाह हो जाएंगे, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो उसे 5-6 महीने इस बात को सोचने में लग गया, आखिर करूं क्या। और 5-6 महीने बाद उसकी लड़की ने देखा था, अर्थात एक साल हो गई। तो उसने डिसीजन लिया कि इस तेल को बदल दिया जाए। अर्थात उसने क्या करा, उन घड़ों के स्थान पर सेम ऐसे घड़े तिल का तेल लेकर के वहां रख दिए और उन घड़ों को हटा दिया, अर्थात अपनी कहीं और दूसरे स्टोर में रखवा दिया। वो काम कर दिया उसने। इत्तफाक की बात थी, जो दोस्त कह के गया था मुझे 3-4 साल लगेंगे, वो 1.5 साल बाद आ गया और उसने अपना व्यापार जमाया, और फिर सोचने लगा कि अपने घड़ों को क्यों ना मित्र के यहां से ले आऊं। वो मित्र के पास गया, कहने लगा, मित्र जो मैं घड़े रख के गया था आपके पास, मुझे उन ऑयल की जरूरत है, उस तेल की जरूरत है, तिल के तेल की, इसलिए मुझे घड़े चाहिए। कहने लगा, भैया जैसे तुम धर के गए थे, जैसे बांध के गए थे, ऐसे ही रखें, ले जाओ भैया, ये तो तुम्हारा ही घर है, जैसा तुम देख लो कहां रख गए थे वहीं रखे होंगे। वो गया, वो अपने हाथ की गांठ पहचानता था, उसने देखा कि उस तरह तो बंधे हुए नहीं है, उसे शक हुआ। उसने एक घड़े को खोला और हाथ डाल के देखा तो उसमें कुछ नहीं, केवल तेल ही तेल। अब उसने सारे को देखा, सब में तेल। अब वो बहुत चक्का रह गया कि उसके पूर्वजों की कमाई, उसकी कमाई सारी की सारी घड़ों में थी,
वो तो सब बर्बाद हो गया। अब वो अपने मित्र से कहने लगा, मित्र मैंने जो घड़े रखे थे उनमें गिननी थी सोने की, सभी घड़ों में 50 घड़े थे, 50 के 50 में गिननी थी। मित्र कहने लगे, कैसी बात कर रहे हो, तुमने कब बताया मुझे इसमें गिननी है? अगर तुम बता के जाते इसमें गिननी है तो मैं मानता ना, मुझे क्या पता गिननी है, मैं तो जैसा तुम तेल रख के गए तैसा का ऐसा तेल है। अब तो बड़ा फजीता हो गया। वो कहने लगा कि नहीं दोस्त, ये बात सही नहीं है। अब वो अफर गया, उसी तरह वो दोस्त अफरने लगा, कहने लगा दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक तो मैं तुम्हारे माल को रखा हूं, ऊपर से तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो चोरी का, है? अरे पागल हो तुम, कहीं और रख के जाते तो ये मिलता भी नहीं तेल तुम्हें, और तेल के पीछे तुम अपने दोस्त पे शक कर रहे हो? कहने लगा मैं दोस्त पे शक नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसमें जो रख के गया था ऊपर ऊपर तेल था, नीचे गिननी थी सब में, और वो 50 घड़े थे मेरे पूर्वजों की, सारे पूर्वजों की जितनी कमाई थी वो सब थी, और मैंने तुम पे अपने से ज्यादा अर्थात मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करता था, और मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कर दोगे। आपस में विवाद बहुत बढ़ गया। राजा महाराजा पहले होते थे, अब कहने लगा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा पैसा मैं लेके रहूंगा। वो कहने लगा तुम दिमाग मत खराब करो, चले जाओ यहां से। अब उसने राजा से शिकायत की कि राजा साहब ऐसे से बात है कि तेल है? राजा ने पूछा तेल है? हाँ जी है, सब कुछ है, लेकिन पैसे नहीं है। राजा बोला यार तुम्हें बता के जाना चाहिए था। वो बोला मैंने तो भरोसे पे छोड़ के गया था कि चेक नहीं करेगा, मुझे क्या पता था पीछे चेक करेगा सबको, और सारे के वो रिप्लेस कर दिए इसने, वो घड़े है ही नहीं। समस्या बड़ी उलझ गई, साहूकार बुला लिया, उससे पूछताछ की बहुत कड़ाई रूप से, लेकिन उसने साफ क्लियर मना कर दिया, एक सिरे से नकार दिया कि नहीं जो घड़े रख के गया था वो वही है। अब राजा बड़ा दुविधा में फंस गया, भाई आखिर करा क्या जाए। वो कहने लगा ठीक है भाई, तुम आज नहीं तुम 2 दिन बाद आना दरबार में। 2 दिन तक राजा ने बड़ा विचार विमर्श किया, विचार मग्न हो गया आखिर करा क्या जाए। उसका एक मंत्री था जो उस समय बाहर था, पहले दिन ही उसने मंत्री को खबर भेज दी थी, जो सलाहकार था, मंत्री था जो सलाहकार था उसका, उसे उसी दिन उसने खबर भेज दी थी जिस दिन ये आदेश किया था कि 2 दिन बाद आना, और 2 दिन उसे सोचते विचारते में लग गए। और मंत्री आया, मंत्री से उसने बातचीत की कि ऐसे ऐसे बात है भाई, समस्या बड़ी गंभीर है, और अगर कुछ पैसों का सवाल होता तो और बात थी, लेकिन 50 घड़े वो भी गिन्नियों से भरे हुए, असरफियों से भरे हुए। कहने लगा हाँ महाराज, चिंता का विषय तो है ही, समस्या गंभीर है, लेकिन इसका भी इलाज है। उसने थोड़ी देर सोच करके बताया कि इसका भी इलाज है, कि क्या इलाज है, आज वो आने वाले हैं दरबार में। कहने लगा महाराज, जो तेल के व्यापारी हैं, जो तेल को देख करके बता देते हैं, जो जानते हैं हर तेल को, उन तेल के व्यापारियों को जो अच्छे से अच्छा हमारे राज्य में, उसे बुला लीजिए। वो बोला ठीक है, आज तो आने में लग जाएगा, इसका मतलब आज भी उनका फैसला नहीं हो। कोई बात नहीं है फैसला ना हो, लेकिन सही फैसला हो, ये मायने रखता है। अब राजा ने जो जो अच्छे तेल के व्यापारी थे सबको बुला लिया, और उस दिन वो आए दरबार में, उनसे कह दिया भाई तुम्हारा फैसला कल होगा, हम क्षमा चाहते हैं आज के लिए। दोनों चले गए, उसी दिन वो व्यापारी आ गए, और व्यापारियों से राजा ने और मंत्री था उन्होंने बात की कि भाई ऐसे ऐसे बातें, कैसे तुम तेल का पता लगाते हो? खम साहब ये बता देते हैं कि तेल कितना पुराना है। अब दरबार लगा, दरबार में वो दोनों आए और वो व्यापारी भी बैठे हुए थे। एक बार उस साहूकार से फिर पूछा जिसके यहाँ तेल रखा हुआ था कि अभी भी बता दो समय है, कि राजा साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों लूंगा अपने दोस्त का माल, मैं तो अपने दोस्त पर इतना विश्वास करता हूं, लेकिन ये दोस्त मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा। अब उसने राजा ने बैलगाड़ी भेजी और कुछ अपने सैनिक भेजे कि जाओ और वहां से 3-4 घड़े उठा लाओ। अब 3-4 घड़े उठा के मंगाए गए वहां से, जो रखे थे घड़े मंगाए, सभा में रखे गए, और उन व्यापारियों से कहा कि आप देखो कि कितना पुराना तेल है। व्यापारी कहने लगे ज्यादा पुराना तेल नहीं है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 महीने पुराना तेल है बस। अब उस व्यापारी से पूछा कि तुम्हें गए को कितना समय हो गया, कि राजा साहब मुझे 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया, और कुछ समय पहले तक मेरे पास वो तेल रखा भी था 4-5 महीने, क्योंकि तेल जल्दी से खराब नहीं होता, 4-5 महीने से वो रखा भी था, और 1.5 वर्ष मुझे हो गए, लगभग 2 वर्ष पुराना वो तेल था। वो व्यापारी कहने लगे, जो तेल के व्यापारी थे, लेकिन ये जो तेल है ये केवल 1.5 या 2 महीने पुराना है। अब राजा को गुस्सा आने लगा, अब वो बोले अब सारे घड़े को चेक किया जाए। अब उस व्यापारी के, अब उस साहूकार के घर गए और सारे घड़े चेक किए उन तेल के व्यापारियों ने, और सब के सब तेल वही 1.5-2 महीने पुराना निकला। राजा उससे कहने लगा या तो सच बता दो या फिर फांसी के लिए तैयार हो जाओ। अब साहूकार डर गया, साहूकार से कह दिया या तो तुम फांसी के लिए तैयार हो जाओ या फिर बता दो। अब साहूकार मजबूर हो गया, राजा के चरणों में गिर गया,
कहने लगा मुझे माफ कर दो राजा साहब, मैंने चोरी की है। अपने दोस्त के भी पैरों में गिर गया कि मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ धोखा किया है। राजा बोला कि वो बता तेल कहाँ है। अब उसने बताया कि उस गोदाम में रखे हैं, और सारे के सारे देखा जाके तो सब में गिन्नी भरी हुई थी। उन्हें देख करके साहूकार कहने लगा यही मेरे घड़े हैं, इन सब में गिन्नियां हैं। तो राजा ने वो घड़े तो उनके सपुर्द किए और राजा ने उस साहूकार को सजा सुना दी कि तुमने अपने ऐसे दोस्त के साथ जो तुम पे इतना भरोसा करता था, किसी पे नहीं करता था, उसके साथ तुमने दगाबाजी की है, तुम्हें सजा मिलेगी। और उसे कारागार में डाल दिया कि तुम अब अपनी जिंदगी यहीं बिताओ। राजा ने कह दिया कि अब तुम अपनी जिंदगी कारागार में बिताओगे। उसे सजा मिली और राजा ने कहा कि तुम अपनी जिंदगी, अब अपनी बची हुई जिंदगी तुम कारागार में बिताओगे। लेकिन जो साहूकार की जो परिवार था, जो बेटी थी, जो पत्नी थी, वो राजा के पैरों में गिर गई और कहने लगी हमें माफ कर दो, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे, नहीं इसे सजा तो भुगतनी पड़ेगी, या तो अपने मित्र को ये 500 गिन्नी और देगा, इसका मित्र इसे माफ कर देगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा। अब उसने स्वीकार किया कि मैं अपने मित्र को 500 गिन्नी भी दूंगा, और उसके पैरों में पड़ गया मुझे माफ कर दो। दोस्त कहने लगा कि तुमने किया बहुत गलत है, मुझे तुम्हारी गिन्नी नहीं चाहिए। और रही बात माफ करने की, तो माफ तो नहीं किया जाता जो गलती करते हैं, अपने जब गलती करते हैं तो ना माफ किया जाता है। जब तुमने मुझसे कह दिया कि इसमें कोई गिन्नी नहीं थी, अपनापन उसी दिन टूट गया था। अरे तुम मुझसे मांग लेते, कह देते तो मैं तुम्हें कुछ दे देता, लेकिन तुमने तो सारा का सारा माल हड़पना चाहा, इसलिए मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पैसे लेकर मेरे मन में भी गलत भावना आ जाएगी। तो कहने लगा अब तुम गिन्नी भी रख लो, और राजा से कहने लगा राजा साहब मैं इसे माफ करता हूँ, इसे छोड़ दो। तो राजा ने उसे छोड़ दिया और राजा साहब चले गए, व्यापारी भी चले गए, मंत्री भी चले गए, और जो अपने घड़े थे वो दोस्त भी अपनी बैलगाड़ी में रख करके उन दो घड़ों को ले गया। और उसे इतनी जिल्लत हुई, जो उसका दोस्त था जिसने चोरी की थी, इतनी जिल्लत हुई कि वो अपने घर आया और उस बदनामी को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि सभी लोग उनकी मिसाइलें देते थे दोस्ती हो तो ऐसी हो। उसने आकर के अपने घर पर फांसी लगा ली, वो साहूकार मर गया। हमें अपने मेहनत के पैसे पे गर्व करना चाहिए, हमें ईमानदारी से अपना पैसा कमाना चाहिए। जब हमें ये पता है कि हम कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, जब ये पता है कुपुत को का धन संचय, सपूत को का धन संचय, फिर हमें बेईमानी से धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। जब कपूत भी उसे बर्बाद कर देगा यदि पुत्र कपूत निकला, और सपूत भी उसे, सपूत को जरूरत नहीं है, वो अपने आप इतना पैदा कर सकता है, तो फिर इंसान क्यों पाप की कमाई को इधर उधर गलत काम करके क्यों धन इकट्ठा करना चाहता है। अगर ये कर रहा है तो वो एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा, और ऐसा सामने आएगा कि जितना उसने कमाया है उस सब को बिखर जाएगा लेकर के, अर्थात वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा और मूल भी चली जाएगी। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।